रंगदे बसंती का सिद्धार्थ तो आपको याद होगा। सिद्धार्थ अब लौट आया है, लेकिन इस बार एक हॉरर फिल्म के साथ। जी हाँ, द हाउस नेक्स्ट डोर फिल्म आ रही है सिद्धार्थ की, उसमें नजर आएंगे। हॉरर फिल्म के साथ आप वापसी कर रहे हैं, इस फिल्म के बारे में बताइए, हॉरर जॉनर के साथ वापसी करने के बारे में कैसे सोचा आपने? सबसे पहली बात तो यह है कि हॉरर जो जॉनर होता है वो बहुत बड़ा जॉनर है, तो वो एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे पिक्चर का हीरो कौन है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि हॉरर ही उसका हीरो है, क्योंकि लोगों को डरना अच्छा लगता है, और वो भी एक बड़े ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ थिएटर में जाके चीखना चिल्लाना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिल्म चूज़ करने की बात तक अगर आए तो ये मैंने चूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ। तो ये फिल्म हम लोग बहुत साल से, इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट मैं कह सकता हूँ, और मेरा ये मानना है कि इस फिल्म के बाद अगर कोई हॉरर फिल्म ना करे तो आपको चौंकना चाहिए, क्योंकि हॉरर में इतना स्कोप है कि इस फिल्म में हमने इतना बेहतरीन एक हॉरर एक्सपीरियंस लोगों को डराने की कोशिश की है, तो इसीलिए फिल्म करने की डिसीजन हमने ली है। अगर सिद्धार्थ मैं बात करूं हॉरर फिल्म्स की, तो बहुत ओवर यूज्ड फॉर्मूला हो चुका है, बहुत क्लीशेड भी हो चुका है, बहुत अलग अलग ढंग से और बहुत सेम फॉर्मूलिक ढंग से भी इस जॉनर को भुनाया गया है, हिंदी सिनेमा की बात हो या अंग्रेजी फिल्मों की बात हो। ऐसे में एक और हॉरर फिल्म दर्शकों के मन में ये ख्याल आ सकता है कि क्या ये भी वही उसी तरह की एक फॉर्मूलिक फिल्म है? सबसे पहली बात, ये एक और हॉरर फिल्म ज़रूर नहीं है, क्योंकि ये अपने किस्म की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फिल्म है। जैसे कि आपने कहा था कि हमारे देश में काफ़ी हॉरर फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कमर्शियल रीजंस के लिए हॉरर जो जॉनर है उसका मजाक बना के रखा गया है, या तो बहुत सारा कॉमेडी ठूसा गया है या फिर बहुत सारा सेक्स ठूसा गया है। लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है, मिलिंद जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो मणिरत्नम सर के एसोसिएट डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने और मैंने जब ये फिल्म साथ बैठ के बनाई तो हमें ये महसूस होना था कि जब हम लोग इंग्लिश फिल्म देखते हैं, जैसे कि कॉन्जुरिंग, हम थिएटर में देख के बाहर आते हैं, सो लोग वहाँ बोल रहे हैं कि यार हमारे यहाँ ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती। सो अगर आपकी बात सही होती तो फिर वो लोग वो बात नहीं बोलते, उनको बोलना चाहिए हाँ ये तो वही घिसी पिटी फॉर्मूला वाली फिल्म है, कोई भी अच्छी हॉरर फिल्म के बाद ये नहीं बोलता, सब लोग बोलते हैं कि यार ऐसी फिल्में हमारे यहाँ बनती नहीं है। तो इस शिकायत के लिए हमने ऐसी फिल्म बनाई है, तो जिन लोगों को कॉन्जरिंग जैसी इंटरनेशनल और सच्ची में डरावनी फिल्में अच्छी लगती हैं वो ज़रूर हाउस नेक्स्ट डोर देखें, क्योंकि ये मेरा चैलेंज है कि आप जब थिएटर से बाहर आएंगे आप बोलेंगे कि हमारे बंदों ने करके दिखा दिया, कि ये एक सच्ची में एक ट्रू ब्लू हॉरर फिल्म है, देख के मुझे बहुत डर लगा, ये ऑडियंस बताएगी, ये मेरा गारंटी है। सिद्धार्थ, आप तो दर्शकों को डराने के लिए तैयार हैं इस फिल्म से, आपको किस चीज़ से डर लगता है? क्या आपको भी भूतों से डर लगता है, या जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डरावनी लगती हैं? देखिए सर, मैं एक कलाकार हूँ और इस फिल्म का एक प्रोड्यूसर हूँ, तो अगर आप मुझे सच्ची में पूछें तो मुझे सबसे ज़्यादा डर तब लगता है जब एक अच्छी फिल्म देखी ना जाए। तो हमारा देश ऐसा हो गया है कि कौन सी फिल्म देखी जाए इसका डिसीजन आप कैसे लेते हो, तो वो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद मुझे सिर्फ ये चाहिए कि लोग थिएटर में आके पिक्चर को एक बार देख लें, और अगर वो ना देखे तो वो मुझे एक हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा डरावना एक इमेजिनेशन लगता है। तो इंशाल्लाह वो नहीं होगा, नवंबर 3 को लोग ज़रूर थिएटर में आके इस पिक्चर को देखेंगे और एक साथ हम सब मिलके डरेंगे और हम आपको डराएंगे। लाइफ में कभी कोई स्पूकी एक्सपीरियंस रहा है आपका? काफी रहे हैं, भी रिसर्च हमने इस फिल्म के लिए 4.5 साल राइटिंग के लिए रिसर्च भी की थी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रियल हॉरर इन दिस फिल्म, जो बहुत सारे लोगों के साथ जो हुआ है और हमारे इर्द गिर्द जो हुआ है मेरे साथ बचपन में, या ऑल दीज इंस्टेंसेस, क्योंकि अगर आप लव स्टोरी बनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को आप उसमें ठूस देते हैं, वैसे ही हॉरर फिल्म में भी आपके साथ जो भी हुआ है वो आप स्क्रिप्टिंग और फिल्म में ज़रूर मिला देते हैं। आप कोई मिसाल दे सकते हैं, जैसे आपने बताया बचपन में कुछ हुआ आपके साथ इस तरह के डर? मतलब आप देखिए, एक आदमी का विश्वास जो होता है ना, वो हर हफ्ते कभी कभी हर दिन बदल जाता है। तो एक दिन मैं शायद बहुत साइंटिफिक आदमी हूँगा जो बोलता हूँ कि भूत प्रेत नहीं है, मुझे भगवान में भरोसा नहीं है, और अगले दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगा या फिर मैं मुझे कुछ दिखाई देगा या सुनाई देगा। तो एक 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 इंसान के जज्बात पर बेस्ड है, जितने आपके इमोशंस हैं उस दिन के, उस इमोशंस की वजह से आपके बिलीव्स या विश्वास बदलते हैं। तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता, बचपन से मैं डरा हुआ इंसान नहीं हूँ, मैं लोगों को डराता हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों की कहानियाँ सुनी हैं और उनकी वजह से मैं बहुत इंस्पायर हूँ।
सर, आपकी जो फिल्म आई थी रंग दे बसंती 2006 में, मेरी भी फेवरेट फिल्म है वो, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की, लोगों को भी बहुत पसंद है, क्रिटिकल एक्लेम भी मिला, उस तरह की फिल्म अब दोबारा बन नहीं पाई है, 10 साल भी उसने पूरे किए, लास्ट ईयर उसका सेलिब्रेशन भी हुआ था। उस फिल्म से आप कितने इंस्पायर्ड हैं और उस तरह की फिल्में नहीं बन रही हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? एक ऐसी गलतफहमी है कि अगर एक फिल्म बहुत अच्छी चल गई ना तो वो बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है, लेकिन जो बंदे उस फिल्म को बनाते हैं ना उनके लिए वो सिर्फ एक फिल्म ही है। तो मैं ये किसी को मैं गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे रंग दे बसंती से बहुत लगाव है, लेकिन बाकी 30 फिल्मों से भी मुझे उतना ही लगाव है। तो हिंदी ऑडियंसेस के लिए वो एक मिसाल बन के रह चुकी है वो फिल्म, और उस फिल्म में जिन्होंने काम किया है मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में वो एक ऐसी मिसाल बन के रह गई है। तो उसे फिर से वैसी फिल्म ही बननी है, मुझे वैसी कोई कसर नहीं महसूस होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक हाउस नेक्स्ट डोर जैसी हॉरर फिल्म की बात करें तो इट्स अ न्यू जॉनर फिल्म, और रंग दे बसंती के बाद मैंने स्ट्राइकर की, उसके बाद चश्मे बहादुर और अब और हाउस नेक्स्ट डोर, इन चार फिल्मों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो मैं वैसा किस्म का एक एक्टर हूँ, तो अगर मुझे रंग दे बसंती जैसी एक और फिल्म आए तो मैं शायद बोलूँगा नहीं, मैंने तो रंग दे बसंती कर ली। साउथ में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, मर्सल फिल्म जो आई है विजय की, GST पर कमेंट किया गया, डिमोनेटाइजेशन में कमेंट किया, और BJP ने मांग की थी कि वो सीन जो है उस फिल्म से हटाया जाए। सब लोग इसी की बात करें, रजनीकांत और कमल हसन ने भी सपोर्ट किया है विजय की फिल्म को, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी फिल्म हाउस नेक्स्ट डोर का कमल हसन, रजनीकांत, विजय और नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप एक कॉन्शियस सिटीजन हैं। कॉन्शियसनेस पूरी सिर्फ मेरी फिल्म के बारे में, और अगर आप उनकी अगली इंटरव्यू में उनसे बात करें तो उनको जरूर बोलिएगा कि मेरी फिल्म जाके देखें। तो ये थे हमारे साथ द हाउस नेक्स्ट डोर के एक्टर और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ, जिनका मानना है कि ये हॉरर फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक गेम चेंजर साबित होगी। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।